अनंत बार जय श्री प्रभु जी की। प्रिय मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम योग करके सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस को, कंधों के दर्द को, कमर के दर्द को और टांगों में जो प्लास्टिसिटी बढ़ जाती है, टांगों में जो शक्ति आ जाती है, टांगों में दर्द होता है, वो ठीक हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पद्मासन लगाना है। ये मैं दाएं पैर को बाएं पैर की जंगा पे रख रहा हूँ, फिर दूसरे पैर को रख दिया, इसे पद्मासन कहते हैं। पद्मासन में हम सांस को भरते हुए पर्वतासन करेंगे। इस स्टेज में आपको 10 से 15 सेकंड जो है रोकना है, इससे आपको सर्विकल प्रॉब्लम, कंधों का दर्द, कमर का दर्द नहीं होगा और आपके जो टांगों में जो है इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी, टांगे फ्लेक्सिबल हो जाएंगी और टांगों में भी दर्द नहीं आएगा। तो धीरे धीरे फिर सांस छोड़ते हुए नीचे ले जाए। इसे 3 बार कर सकते हैं। यदि आप इसे नित प्रति सुबह शाम करते रहते हैं तो मैं ईश्वर की प्रेरणा से सभी मित्रों को, सभी व्यूअर को, सभी योग प्रेमियों से ये मैं दावे से कहता हूँ कि आपको सर्विकल प्रॉब्लम, कंधों का दर्द, कमर का दर्द नहीं होगा और टांगों में प्लास्टिसिटी नहीं बनेगी, टांगें आपकी हल्की फुल्की रहेंगी और आपको कभी भी गोड़ों के ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनंत बार जय श्री प्रभु जी।